जेवलिन थ्रो स्पेशलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम को कराची की सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की जानिब से गोल्ड मेडल और 3 लाख रुपए कैश अवार्ड से नवाजा गया। कहते हैं फिटनेस मसाइल के बायस टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत करना नहीं चाहता था, मुस्तकबिल की तैयारी के लिए मुझे प्रोफेशनल कोच की ज़रूरत है। सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची में अपने एजाज में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए ओलंपियन अरशद नसीम ने तस्दीक करते हुए कहा कि कोरोना वायरस का शिकार होने और कहनी में तकलीफ के बाइस टोक्यो ओलंपिक्स में अदम शिरकत का फैसला किया था। बीमार काफी हो गया था, काफी वीक हो गया था, साथ है एल्बो की भी प्रॉब्लम चल रही थी। तो फिर अपना जो जनरल कमसाई साहब हैं, माशाल्लाह आसमान भट्ट साहब हैं, इन्होंने माशाल्लाह बहुत मोटिवेट किया कि नहीं यार आप कर सकते हो, हमें आप पे बहुत उम्मीद है। तो इन्होंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्टिव किया। तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की दोबारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफर्ट की। जूलियन थ्रो स्पेशलिस्ट अरशद नदीम ने कहा कि हुकूमत और फेडरेशन की हौसला अफजाई के बाइस शिरकत मुमकिन हो सकी। मेडल्स के हसूल के लिए मुझे प्रोफेशनल कोच की जरूरत है। नेक्स्ट जो कम्पिटिशन आ रहे हैं उनके लिए, जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी में जैसे प्रोफेसर होते हैं, तो ऐसे भी मुझे भी कोच की अभी ज़रूरत है, क्योंकि आगे जो कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर मैंने अपना अच्छी एफर्ट करनी है, क्योंकि पहले मैंने जो एफर्ट की है कंपटीशन में वो अपना कोच साहब के थ्रू ही की है, और साथ अपना जो फेडरेशन के जनरल कमसाई साहब हैं उनकी माशाल्लाह एफर्ट थी। तो बिल्कुल कोच भी होना चाहिए इंटरनेशनल जो मुझे आगे लेके जाए। तकरीब से हायर एजुकेशन कमीशन सिंध के चेयरमैन डॉक्टर आसिम हुसैन, सर सैयद यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अनवार और वाइस चांसलर डॉक्टर वलीउद्दीन और रजिस्ट्रार सैयद सरफराज अली समेत दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की जानिब से अरशद नदीम को 3 लाख रुपए कैश और गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैमरामैन बाकर रजा के साथ असगर अजीम, कैपिटल टीवी, कराची।